अत्यधिक आमदनी पर दिन माशाल्लाह तुम मालूम करना मालेगांव के अंदर पड़ रहा है और टेक का वकार आपके अल्लाह तआला के बारे में बहुत अच्छी वकार भी दी है, सलाहियत भी दी है। तो हमारे आने का मकसद ये है कि साथी और बुजुर्गो, जब ये आमदार साहब थे मालेगांव के, वाहिद इंसान जिसको बोलेंगे मालेगांव से मुंबई चले गए पैदल मार्चों के लिए, किसके लिए? मुस्लिम रिजर्वेशन के लिए। और तलाक बिल का मामला आया तो खुलकर सामने मुखालिफत करे, हर असेंबली के अंदर आवाज उठाए, अपने मुसलमानों की रहनुमाई करे, हर तबकात को लेकर चले साथ में। हम लोग का आने का मकसद यही है कि आसिफ साहब, कि हम लोग ने आपके कामों को देखा और हम लोग एक मशवरा किया कि भाई आपका सत्कार किया जाए, इस्तकबाल किया जाए कि आप बहुत माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इन्हें काम है आपके मालेगांव शहर के अंदर भी, और आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो मैं बताता चलूँ कि जब यहाँ पर बम ब्लास्ट हुआ 2008 के अंदर, जब बम ब्लास्ट हुआ तो हर तरफ सन्नाटा छा गया था, किसी लीडर की आवाज, किसी किस्म की किसी लीडर की आवाज पूछ रही थी, मगर इज्जत माफ अली जनाब शरद पवार साहब जिन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया और कहा कि जो लोग कसूरवार है उनको सलाखों को पीछे डाल दिया जाए। ये इस टाइम वो आए इंसान शरद पवार साहब ने आवाज निकाली थी, आज उनकी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर आपने ज्वाइन किया। मैं आपको बहुत बहुत हमारे ग्रुप की तरफ से और हमारे दिल्लिया के आए हुए तमाम अहबाब की जानिब से आपको मुबारकबाद पेश करते हैं, और आपका आपने जो वक्त दिया कीमती जो आपका शुक्रिया अदा करते। और आखिर में मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे एक मरहूम जाहिद हुसैन साहब उर्फ एंड भाई, आप शायद पहचानते भी होंगे, उनका भी फिलहाल में इंतकाल हो गया कोरोना की बीमारी की वजह से, लेकिन वो वाहिद इंसान था आसिफ भाई साहब, कि जब ये नतीजा सामने आया आप लोगों मुफ्ती साहब ये इंतखाबात जीते, तो ये हमारे इंडो भाई साहब दुलिया से मालेगांव आए और यहाँ मालेगांव के आवाम से कहा कि तुमने अपने एक अच्छा लीडर, अच्छा वकाब और सलाहियत इंसान को आपने खो दिया, आपके बड़े तारीफ किया करते थे, वो आज हमारे दरमियान नहीं है। बस मैं अपनी बात को और अपने साथियों से कहूँगा कि आप उनके बात नहीं सकते। तो मैं से आए हुए तमाम मदनी ग्रुप के तमाम नौजवान साथियों, मैं आप लोगों का मेरी जानिब से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की जानिब से मालेगांव शहर की जानिब से आप लोगों का इस्तकबाल करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए, मेरी खिदमत का इतराफ़ करने के लिए, मेरे कामों का इतराफ़ करते हुए आप यहाँ पर आए और मेरा इस्तकबाल करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे भाई की बातों को मैंने मुख्तसर सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा, और अगर मेरे मोहल्ले के लोग मेरा इस्तकबाल करते या मेरे शहर के लोग मेरा इस्तकबाल करते तो वो खुशी मैं मुझे नहीं लगती, वो खुशी नहीं मिलती जो आप लोग दुनिया से स्पेशल वक्त में निकाल कर आप लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए, इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप जिस तंजीम से जुड़े हुए हैं जमीतुल उलमा, मैं मुबारकबाद देता हूँ जमीतुल उलमा के तमाम अराकीन को, दुलिया शहर के, जिस अंदाज से जमीतुल उलमा हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आवाज़ बनकर काम करती है, गरीबों का काम करती है, मिस्किनों का काम करती है, मजहबी काम करती है, दीनी काम करती है, सामाजिक काम करती है, एजुकेशन पे काम करती है, मैं भी काफ़ी मुतासिर हूँ, लेकिन बस सिर्फ फ़र्क ये है कि यहाँ पर मैं महमूद मदनी जमीयत से जुड़ा हूँ, बस इतना फ़र्क है। मौलाना महमूद मदनी साहब से भी मेरे अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं जब दिल्ली जाता हूँ तो दफ्तर ज़रूर जाता हूँ, ज़रूर जाता हूँ, और मुंबई जाता हूँ तो मुस्तफ़ी आज़मी साहब, गुलजार आज़मी साहब, इन लोगों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। मेरा आप लोगों को पता है कि जब बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र के अंदर आई 2014 में, तो पहले ही असम्बली का इजलास था नागपुर में,
और उस वक्त आशीष शेलार जो बीजेपी का एम एल ए बांद्रा से और मंगल प्रताप लोडा वो बीजेपी का आज का मुंबई का सदर है और एम एल ए ये दोनों शख्सों ने मैं एकदम नया था असेंबली हाउस में 3 महीने ही मुझको हुआ था एम एल ए बनने पहला असेंबली का इजलास था और जमीती दुर्मा पर पाबंदी की बात आशीष शेलार ने रखी हमारे भाई के लिए जमीती दुर्मा को पैसा बाहर से फंडिंग होता है और ये जो लोग ब्लास्ट में जेल में बंद रहते हैं फसादार के अंदर बंद रहते हैं उनको मदद करती है कानूनी मदद करती है पैसा पुराती है उनको छुड़वाती है इसके लिए इस पर पाबंदी रखी है। तो महाराष्ट्र का सिर्फ एक इंसान मैं था असेंबली हाउस के अंदर तो जगह पर ऑन द स्पॉट उसकी बात खत्म नहीं हुई और मैं खड़ा होकर इतराज लिया और मैंने आवाज़ उठाया और दलील दिया कि जमीती दुर्मा कौन सी तंजीम है वो जमीती दुर्मा जिन्होंने हिंदुस्तान को आज़ाद करने के लिए अपने उलमाओं ने कुर्बानियाँ दी तहरीक चलाई जान माल पैसा लगाई और वो तहरीक की दास्तान मैंने उस वक्त सुनाया और उस वक्त की सरकार को ये बात बोलना पड़ी कि हम कोई पाबंदी नहीं लगाएंगे। महाराष्ट्र का अकेला एम एल ए था मेरे बाद फिर दूसरे सेशन में अबू असीम आजमी साहब ने बात को मेरे साथ में आवाज़ बढ़ाई थी। फिर अजान के ऊपर पाबंदी की बात आई तो मंगल प्रभात लोडा ने आवाज़ उठाई कि अजान में पाबंदी लगा दिया है ये फजर के अंदर नमाज अजान देते हैं ये करते रात में लोडी स्पीकर चलता है वगैरह वगैरह। तो मैंने दलील उस वक्त जगह पर उसी दिन की सब बातें घटना हुई थी तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि अजान के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि अजान जो है लाउडस्पीकर जो है रात के 10 के बाद नहीं चलाना चाहिए और मैंने ये कहा था कि हमारी ईशा की अजान जो है वो रात 9 से पहले ख़त्म हो जाती है और 5 वक्त की हमारी अजान कानून के मुताबिक दी जाती है तो उस वक्त भी सरकार को वापस देना मेरा सिर्फ गुनाही है। और आपने देखा कि असेंबली के इलेक्शन के वक्त तो गुलजार आदमी साहब ने मेरे लिए वीडियो बनाकर भेजा कि आसिफ को उड़ो। तो एक इंसान जैसा आप लोग मेरे कामों को रुलिए में बैठ कर देखते हो वो मुंबई के अंदर बैठ गए। तो ये काम असल में आज ज़रूरत हमारे को ऐसे एमएलओ की है नुमाइंदों की है जो असेंबली के अंदर फिरका परस्तों से आँख में आँख डालकर बात करे ना के स्टेज लगा कर बात करे। रास्तों के ऊपर तो कोई कुछ भी बोल लेता है जहाँ कानून बनता है कानून साज अदारा है जहाँ पर रिकॉर्ड होता है कानून बनता है तो वहाँ बोलने की ज़रूरत है लेकिन आज हम लोगों को कोई नज़र नहीं आता कोई नज़र नहीं आता। बहरहाल मैं इतना ही कहूँगा कि आप लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ पर आए आप लोग जब भी मुझको आवाज़ देंगे यह कि सामाजिक मसाइल के लिए सियासी मामला हो कोई भी मामला हो या मुंबई आपको जाना है वक्त को लेकर या नासिक जाना है वक्त को लेकर किसी से और मिलना है पुलिस का कोई मामला आता है तो आप लोग बिल्कुल मुझे आवाज़ दो और मुझे बोलिए मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साना बसाना खड़ा रहूँगा और आप अगर कोई प्रोग्राम तरतीब देंगे वहाँ पर दुनिया के अंदर तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपके पास आऊँगा और प्रोग्राम में करने के लिए तैयार हूँ। और आप सोशल एक्टिविटीज़ मैंने व्हाट्सएप के ऊपर आपकी देखा तो ये बहुत अच्छी बात है अगर उस वहाँ पर भी कोई आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है तो आप मुझको बोलिए इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ में रहूँगा। बहरहाल जो लोग समझदार है जो लोग संजीदा है वो लोग चाहे वो दुनिया के हो चाहे बाहर के हो उनको सब दिखता है कि सियासत किस रूप के ऊपर जाना चाहिए हमको मुसलमानों में क्या फैसला करना चाहिए। आम लोगों को नौजवानों की बात नहीं समझ में आ रही और एमआईएम जैसी पार्टी ये हमारे लिए बहुत ही घातक है मुसलमानों को बहुत घातक है इतनी घातक है कि हम सोच भी नहीं सकते। आज अगर हिंदुस्तान के अंदर 2014 से अगर बीजेपी आई है या अभी जो बीजेपी के जो हालात बढ़ रहे हैं ये सब इसके जिम्मेदार ये लोग इन्होंने वोट का डिवाइडेशन किया इन्होंने हिंदुओं को एक करने का काम किया कट्टरवाद इन्होंने फैलाया। मैं यकीन जानो मैं जनाजे पर बैठा हूँ मुझको खुद ऑफर था असेंबली में एमआईएम का टिकट ले ले मैंने बोला मैं हारना पसंद करूँ मैं तुम्हारी पार्टी क्या? ये जुमला था बोले देख तू चूम के आ जाएगा चूम के आने ही मकसद है बोले कौम बहुत पागल है बोले
ऐसा जुमला था मेरे को बोला गया, पागल है बोले, एकदम जिंदाबाद मुर्दाबाद नारे तकबीर के नारे के ऊपर ही बोले जीत जाएगा बोले। मैं यार मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी सोच वैसी नहीं है। तो तुम्हारा जो है ना बोला ये पानी का गुलगुला है, जाने वाले 5 साल, तो रुकने वाला नहीं, उसको चलने वाली चीज़। तो ये मेरी सोच थी, पहले ऐसे लोगों से हम लोगों को जरूरत देती है कि हाँ अगर वहाँ पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस का इत्तेहाद होगा दुनिया के अंदर, जब भी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव जरूर मैं आऊँगा, मजबूती के साथ कांग्रेस में खड़ा रहूँगा। और अभी आप मैं वहाँ के एनसीपी के जो भी मुस्लिम लीडर हैं उनसे बात करने वाला हूँ कि आप लोग भी प्रोग्राम तरतीब कीजिए, है ना, मैं उसके अंदर भी वहाँ हिस्सा लेने वाला हूँ, है ना। तो इससे लेकर मैं बताऊंगा फिर एमआईएम के बारे में क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और यहाँ के शहर की आवाम 2 साल में समझ चुकी है, बिल्कुल समझ चुकी है, पूरा समझ में आ गया कि क्या नुकसान हो रहे, सब नाराजगी का माहौल है। और अभी आप लोग अभी आए उन्होंने शादी में जाना, इसके लिए ना तो यहाँ पर रश देखना, कम से कम रोजाना मेरे विजिटर 300-400-500 डेली रहते विजिटर। मेरे को रात में 1:30 बजता यहाँ पर बैठता हूँ, 1:30-2 बजता मुझे पब्लिक निकलते हैं, काम निकलते, इतना पब्लिक यहाँ पर आते हैं। अभी जो मेरा जलसा हो रहा है हर महीने एक जलसा मैं ले रहा हूँ, वो जलसे की रिपोर्ट आप लीजिए, कि मैं वो जलसे की रिपोर्ट ऐसी है कि असेंबली के इलेक्शन ही जलसे मेरे ऐसे नहीं होते थे, जो अभी 10,000-15,000-20,000 का मॉब जमा हो रहा है और नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद जमा हो रही है, तो नाराजगी की वजह से जमा हो रही है। और मैं यहाँ बैठ के नौजवानों की भी काम कर रहा हूँ, बुजुर्गों के भी कर रहा हूँ, माँ बहनों की भी कर रहा हूँ, इसलिए सारी चीज़ें हालात बन रहे हैं। पहले आप लोग दुआ करिए कि अल्लाह ताला मुसलमानों की हिफाजत करे, मुसलमानों को नुकसान देने वाली जो पार्टियाँ अल्लाह ताला उनसे हमारी हिफाजत करे। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी कुछ वीडियो देखा के जरिए कभी आप हम दुआ भी करेंगे इंशाल्लाह आपको दे टिकट, इंशाल्लाह तो मिले से हम लोग आपके साथ रहेंगे।